नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर, मैं हूं आदेश पुरी। आज 3 जुलाई है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की, वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके हमारे जीवन से है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के नेशनल एडिशन से, जिसमें दिया है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दिया इस्तीफा। आपको बताएं कि शुक्रवार रात 11 बजे राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को सौंपा इस्तीफा। तो आपको बता दें कि 10 मार्च को ही उत्तराखंड का मुख्यमंत्री ये बने हुए थे और लगभग 3.5 महीने बाद इन्हें सियासी और संवैधानिक कारणों से इस्तीफा देना पड़ा। और उन्होंने आपको बता दें कि जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा ने उनके विधानसभा उपचुनाव में आ रही संवैधानिक अड़चन की जानकारी देते हुए साफ कर दिया कि उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद तीरथ उन्हें अपने इस्तीफे की पेशकश का पत्र सौंप देहरादून लौट आए। तो आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर जो है वो प्रॉब्लम था, संवैधानिक संकट था, जिसके कारण इन्हें मुख्यमंत्री का पद त्यागना पड़ा है। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण से, खुदरा और थोक व्यापार को मिला MSME का दर्जा। आपको बता दें कि खुदरा एवं थोक व्यापारी अब MSME को मिलने वाले सभी लाभ ले सकेंगे। सरकार ने खुदरा और थोक व्यापार को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम का दर्जा दे दिया है। MSME मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट करके यह जानकारी दी। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन से, इसमें दिया है कि स्कूल खुलने तक पंचायतों में TV से पढ़ाएं। शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने दिया सुझाव। सभी छात्रों तक ऑनलाइन शिक्षा की पहुंच बनाने की समिति ने बुलाई थी अहम बैठक। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत आधा दर्जन राज्य सैटेलाइट चैनल की सुविधा के इस्तेमाल पर राजी भी हो गए हैं। वही अगली खबर भी हमने लिया है दैनिक जागरण के नेशनल एडिशन से, इसमें दिया है कि केस बढ़ने पर केंद्र ने 6 राज्यों में भेजी टीमें। आपको बता दें कि 2 सदस्यीय टीम ने एक क्लिनिकल और एक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञ शामिल हैं। केरल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मणिपुर में मामले बढ़ रहे हैं और इसके कारण जो है केंद्र ने 6 राज्यों में अपनी टीमें भेजी है जो वहां के स्थिति का आकलन करेगी। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण से, लद्दाख में यथास्थिति बहाल नहीं हुई तो अप्रत्याशित कदम उठा सकता है भारत। CDS विपिन रावत की चेतावनी, कहा हम कदम उठाने के लिए तैयार हैं। बोले, हमने सभी को हमेशा तैयार रहने के लिए कहा है, चीजों को हल्के में ना लें। आपको बताएं कि भारत और चीन जो है सामान्य तरीके से पूर्वी लद्दाख में पूर्व वाली यथास्थिति बहाल करने में सक्षम है। क्षेत्र में शांति और स्थिरता रहे या दोनों देशों के हित में है। यह बात तीनों सेनाओं के प्रमुख जनरल विपिन रावत ने कही और उन्होंने कहा कि अगर यथास्थिति बहाल नहीं हुई तो अप्रत्याशित कदम उठा सकता है भारत। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण से, दूसरी लहर अभी खत्म न हुई, लापरवाही न बरतें। आपको बताएं कि सरकार ने कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों को सख्ती से लागू करने की अपील की है। अभी भी देश भर में प्रतिदिन 40,000 से ज़्यादा मामले मिल रहे हैं और ऐसे में लव अग्रवाल जो कि सचिव हैं के संयुक्त सचिव हैं, उन्होंने कहा कि वायरस के खिलाफ रोकथाम के उपायों में ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए क्योंकि दूसरा लहर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण से लिया हमने, अमेरिका ने 20 साल बाद छोड़ा अफगानिस्तान का प्रमुख बेस। सैनिकों की वापसी के बीच बगराम एयरबेस अफगान सेना को सौंपा गया। आपको बताएं कि बलों की रक्षा का अधिकार अभी भी जनरल ऑस्टिन एस मिलर के पास है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना और नाटो ने कूच कर दिया है। इसी कड़ी में अमेरिकी सेना ने करीब 20 साल के बाद अफगानिस्तान के सबसे बड़े प्रमुख बगराम एयरबेस को छोड़ दिया। यह एयरबेस तालिबान को उखाड़ फेंकने के युद्ध में और अमेरिका के 9/11 के बाद हुए हमले के जिम्मेवार अलकायदा के साजिशकर्ताओं की धरपकड़ के लिए अमेरिकी सेना का प्रमुख केंद्र रहा था। वही अगली खबर जनसत्ता से, कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर जो है वो 97% के पार पहुँच गई है। आपको बता दें कि शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में COVID-19 के 46,617 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या जो है बढ़कर 3,04,58,251 हो गई है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 97% के पार चली गई है। वही अगली खबर भी हमने लिया जनसत्ता से, इसमें दिया है पाक में भारतीय उच्चायोग के ऊपर मंडराया ड्रोन, भारत ने सख्त हिदायत दी, जांच की मांग की। आपको बता दें कि इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग
परिसर के ऊपर एक ड्रोन देखे जाने की घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए शुक्रवार को भारत ने इस मामले में कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। इस मामले में पाकिस्तान को सख्त हिदायत दी गई है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच की भी मांग की गई है। भारत ने पाकिस्तान से यह सुनिश्चित कराने को कहा है कि भविष्य में ऐसा दोबारा चूक नहीं होगा। वही अगली खबर भी हमने लिया है, जनसत्ता से संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त तक। आपको बता दें कि संसद का मानसून सत्र आगामी 19 जुलाई से आरंभ होगा और 13 अगस्त तक चलेगा, आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई है। वही अगली खबर भी जनसत्ता से हमने लिया है, इसमें दिया है कि ओलंपिक जाने वाली भारत की पहली महिला तैराक बनी माना पटेल। आपको बता दें कि भारतीय महिला तैराक माना पटेल को टोक्यो ओलंपिक का टिकट मिल गया है। वह ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला तैराक है। वह विश्वविद्यालय कोटा से टोक्यो जाएंगी और आपको बता दें कि भारत की तरफ से वो पहली महिला तैराक होंगी। वही अगली खबर, हिंदुस्तान से 30,000 माध्यमिक और प्लस टू शिक्षकों की बहाली का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों के छठे चरण के नियोजन के तहत सेकेंडरी और प्लस टू शिक्षकों के 30,020 पदों की नियुक्ति का शेड्यूल जारी कर दिया है। 8 जुलाई से औपबंधिक मेधा सूची से शुरू होगी प्रक्रिया, 31 जुलाई को अंतिम मेधा सूची का होगा प्रकाशन और 13 अगस्त को चयनितों की सूची NIC की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से हमने लिया है, इसमें दिया है कि अवैध बालू जब्ती पर 25 गुना जुर्माना और 2 साल की जेल। आपको बता दें कि बिहार खनिज नियमावली में संशोधन पर राज्य कैबिनेट की मुहर लग गई है और अवैध खनन में लगे वाहन जब्त होंगे और इसकी नीलामी होगी। 4 लाख रुपए लगेंगे बड़े वाहन को छुड़ाने के लिए, 25,000 लगेंगे ट्रैक्टर को छुड़ाने के लिए। तो ये जो है नई नियमावली बनी है अवैध बालू के खनन को रोकथाम के लिए। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से, बिहार में चक बिहार सॉफ्टवेयर से होगी चकबंदी। पहली बार राज्य में आधुनिक तकनीक से कराई जाएगी चकबंदी, बनेगी लैब। आपको बता दें कि चकबंदी के लिए IIT से करार को वित्त विभाग की सहमति, कैबिनेट की मंजूरी के बाद बनेगा चकबंदी का नया सॉफ्टवेयर। तो आपको बता दें कि चकबंदी जो है उसकी शुरुआत बिहार में अब सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगी। वही अगली खबर हमने लिया हिंदुस्तान से ही, सुबह में 181 नए मरीज मिले, 33 जिलों में 10 से कम मरीज मिले हैं। आपको बता दें कि पटना में सर्वाधिक 40 कोरोना संक्रमित पिछले 24 घंटे में मिले, वही जो है वो स्वस्थ होने की दर जो है 98.44 और संक्रमण दर 0.14% हो गया है और पिछले 24 घंटे में 202 लोग जो हैं वो ठीक भी हुए हैं कोरोना महामारी से। वही अगली खबर भी प्रभात खबर से, उत्तर बिहार में भारी बारिश से नदियों में उफान। और आपको बता दें कि राज्य के 11 जिलों में भारी बारिश से उत्तर बिहार की कई नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी। बारिश इसी तरह होती रही तो बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है। उधर गंडक का पानी बेतिया कलेक्ट्रेट में घुस गया। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम चंपारण, सुपौल, मधुबनी, शिवहर, मधेपुरा, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, किशनगंज, मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण में भारी बारिश दर्ज की गई है। वही अगली खबर भी हमने लिया है प्रभात खबर से, इसमें दिया है कि विधान परिषद की 24 सीटें 17 जुलाई से हो जाएंगी खाली। आपको बता दें कि बिहार परिषद की 19 सीटों पर निर्वाचित होने वाले विधान परिषद सदस्यों का 16 जुलाई को कार्यकाल खत्म हो जाएगा। बिहार चुनाव नहीं होने के कारण, पंचायत चुनाव नहीं होने के कारण विधान परिषद में स्थानीय प्राधिकार कोटे की इस सीटों पर चुनाव नहीं होगा। इसके लिए 17 जुलाई से ये सीटें तब तक रिक्त रहेंगी जब तक कि स्थानीय प्राधिकार का नया चुनाव नहीं हो जाता है। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से, इसमें दिया है कि फिजिकल शिक्षा की नियुक्ति मामले में मांगा 2 तक जवाब। आपको बताएं कि हाई कोर्ट ने राज्य में फिजिकल शिक्षकों और फिजिकल इंस्ट्रक्टर की नियुक्ति के लिए दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों से 2 अगस्त तक जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने डॉक्टर राजेश कुमार पांडे द्वारा इस मामले की सुनवाई को लेकर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है। तो ये थी आज देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सीधा संबंध आपका और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज न्यूज़ PR को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।